इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। राहुल गांधी जी का हाल भी अभी वैसा ही है, वो इधर भी जा रहे उधर भी जा रहे, वो कभी झारखंड में कभी महाराष्ट्र में कभी वायनाड में दिखाई दे रहे। तो इतनी मेहनत आखिर राहुल गांधी जी कर क्यों रहे? क्योंकि उनके लिए ये भी जरूरी है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में आए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी एक बहुत ही बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। वहीं पे महाराष्ट्र जीतना भी जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, वहां पे पहले से ही कांग्रेस बहुत ही मेहनत कर रही है। अगर आप देखोगे तो लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें किसी पार्टी की आई हो महाराष्ट्र में तो वो कांग्रेस की है। इसीलिए राहुल गांधी जी कभी झारखंड कभी महाराष्ट्र तो कभी वायनाड में दिख रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर अपने दौरे महाराष्ट्र और वायनाड में कर रहे हैं। वायनाड में इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि वो 2024 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, वो ऑलरेडी वायनाड से जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली चुनी और वायनाड की सीट को छोड़ दिया। अब राहुल गांधी जी का तो ये कहना है कि वायनाड से दो एमपी रहेंगे, एक प्रियंका गांधी जी और एक राहुल गांधी जी। अगर आप संविधान के हिसाब से देखने जाओ तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो एमपी तो नहीं रह सकते, लेकिन राहुल गांधी जी अपना जो एमपी का पद है वायनाड का वो छोड़ देंगे और वो अनऑफिशियल एमपी रहेंगे, मतलब वो वायनाड का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो एमपी होगी वायनाड से वो उनकी बहन प्रियंका गांधी जी होगी। इसीलिए प्रियंका गांधी जी पूरा जोर लगा रही है वायनाड में। हाल ही में प्रियंका गांधी जी ने अपना रोड शो रोक के अपने विरोधी लेफ्ट पार्टी के लोगों से मिले और उन्हीं को शुभकामनाएं भी दी। ये बताता है कि प्रियंका गांधी जी भी एक बहुत ही अच्छी लीडर बनेगी। आगे मैं एक और चीज बता दूं कि लीडर बनने के साथ साथ उनको अपने भाई का साथ भी देना है पार्लियामेंट में। इतना इजी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी अभी तो अकेले है कांग्रेस के चेहरे, लेकिन अगर राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी आ गई तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों मिलकर रूलिंग पार्टी को घेर सकते हैं। और प्रियंका गांधी जी को एक और फायदा हो सकता है कि उनको जो महिला वोटर्स है उनके वोट भी मिल सकते हैं। अब वायनाड और महाराष्ट्र दोनों राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन क्या झारखंड जरूरी नहीं है? तो झारखंड भी बहुत जरूरी है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्टी है वो है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके अभी सीएम है हेमंत सोरेन जी और जिसके लीडर भी है और वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी है। तो ऑलरेडी ग्राउंड बेस पे जेएमएम बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ओपिनियन पोल्स के सर्वे तो यही दिखा रहे कि झारखंड में भी नेक टू नेक फाइट होगी, या तो हो सकता है कि थोड़ी सी मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार आए या तो कांग्रेस वाले अलायंस मतलब इंडिया की सरकार आ जाए। लेकिन झारखंड में राहुल गांधी जी की इतनी जरूरत नहीं है जितनी महाराष्ट्र और वायनाड में है। झारखंड में क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि झारखंड में उनके अलायंस पार्टनर जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन जी ऑलरेडी रैलियों पे रैली कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, और आराम से झारखंड का जो इलेक्शन है वो हेमंत सोरेन जी के फेस पे अगर इंडिया अलायंस लड़ेगी तो जीतेगी। लेकिन मैं कह दूं कि यहाँ पे बीजेपी भी टफ फाइट देगी, क्योंकि झारखंड में जो लोकल लीडर्स है बीजेपी के वो मैदान में उतर चुके हैं। अब आगे वायनाड की अगर आप बात करें तो वायनाड में प्रियंका गांधी जी तो मेहनत कर ही रही है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी को छोड़ के कांग्रेस का कोई इतना बड़ा चेहरा है नहीं, इसीलिए महायुति जो है वो मोदी जी अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे लड़ रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के पास एक एडवांटेज है। वो क्या एडवांटेज है कि महाविकास आघाड़ी के पास उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी है, जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े नेता है और उनका बहुत बड़ा नाम है। अगर साथ ही साथ में राहुल गांधी जी भी जुड़ जाते हैं और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का पूरा साथ देती है तो महाविकास आघाड़ी आराम से चुनाव जीत सकती है। वो अलग बात है कि ओपिनियन पोल्स और सर्वेस में तो महायुति की सरकार आराम से बनने जा रही है, उनको मेजोरिटी मिल रही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ओपिनियन पोल पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और एग्जिट पोल पे भी। सबने देखा लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल का क्या हुआ, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। इसलिए हमको चुनाव की वेट करनी होगी और चुनाव के रिजल्ट की भी वेट करनी होगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।